वेलकम स्टूडेंट बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस इन क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड आवर टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल फॉर एग्जांपल्स पार्ट 2 एग्जांपल 1 x स्क्वायर प्लस y माइनस x y माइनस x सॉल्यूशन देखें x स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स सबसे पहला काम करेंगे कि हम कॉमन खोजेंगे अगर एक्स स्क्वायर का एक्स और एक साथ रखा जाए उसमें कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर को किसके साथ ले सकते हैं माइनस एक्स वाई प्लस वाई को किसके साथ ले लें माइनस एक्स अब देखें यहां पे x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x यहां भी है और x यहां भी है x कॉमन लेंगे क्या आएगा x माइनस वाई यहां देखें अगर यहां माइनस वन का मान लें अगर माइनस वन का मान लेंगे तो माइनस वन अगर का मान लें यहां से क्या बचेगा x और क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं और यहां रिजल्ट क्या है प्लस है क्या आएगा माइनस वाई अगर माइनस वन का मल्टीप्लाई करके देखे तो ये रिजल्ट आना चाहिए तो माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स में करें क्या आएगा माइनस एक्स और माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वाई में करें क्या आएगा प्लस का वाई हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट में टर्म्स आ रहे हैं वह सेम होने चाहिए अब देखिए ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस वाई और यहां क्या हो गया एक्स माइनस वाई इसका लाभ ये हुआ कि दोनों टर्म से हम कॉमन क्या ले सकते हैं x माइनस वाई अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस वन ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें इसका सॉल्यूशन 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx यहां तो हमें कॉमन दिख रहा है 3 और a इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेके कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा 3a 3a हम कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बच रहा है x माइनस 2y यहां देखें माइनस कॉमन लें क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है बीच वाला माइनस है और बीच वाला माइनस तभी होगा जब यहां क्या कॉमन लें माइनस ये हो जाएगा 4b अगर 4b कॉमन लेना है 4b कॉमन लेंगे यहां से 4b तो क्या आएगा 2y माइनस x जबकि लाना क्या था x माइनस 2y ये स्टिप और करना पड़ेगा या लिखेंगे 3a x माइनस 2y और यहां प्लस ले लें प्लस क्या कॉमन लें 4b अगर प्लस 4b कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 2y अब देखें ब्रैकेट में सेम नंबर्स आ रहे हैं इसको हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस 2y कॉमन लिए सेकेंड ब्रैकेट में होगा 3a प्लस 4b ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें a इन ब्रैकेट a प्लस b माइनस c माइनस bc सबसे पहला काम करें a का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म्स में करना पड़ेगा a का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्या रिजल्ट देगा ए स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई बी से करें प्लस ए बी और ए का मल्टीप्लाई माइनस सी से करेंगे माइनस ए सी माइनस बी सी पहला और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या कॉमन है ए अगर ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहां से ए प्लस बी यहां देखें दोनों में माइनस है माइनस कॉमन ले लें और दोनों में सी है
सी कॉमन लेंगे, कॉमन हमारा क्या लेंगे माइनस सी, कॉमन लेते हैं क्या बचेगा यहां से ए प्लस बी। देखें सेम नंबर साथ स्टार्ट हो गए, अब इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म से कॉमन क्या लेंगे ए प्लस बी, अगर कॉमन ले तो सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस सी, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें माइनस ए एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई ए में किए और ए का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे एक्स में, क्या रिजल्ट देगा माइनस ए एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस, बी का मल्टीप्लाई एक्स में करें माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए इनमें क्या दिख रहा है आपको एक्स, एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा एक्स माइनस ए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको माइनस बी कॉमन ले, माइनस इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले नंबर्स में बीच में क्या रहा है माइनस आ रहा है और माइनस तभी आएगा तो यह कॉमन क्या लेंगे माइनस बी, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस ए, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस ए, तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस बी, ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब हुआ एक्स माइनस ए का मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी से करें तो रिजल्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एंड लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक फॉर्मूला लर्न करना होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां प्लस प्लस टू ए बी होता है और सेकेंड वाले में क्या होता है माइनस टू ए बी, याद रखेंगे फॉर्मूला। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपसे बोल दिया जाए x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से अगर निकाले हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वन अपॉन x, एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, क्या आएगा यहां एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे रिजल्ट क्या देगा वन, और एक्स का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि एक्स से एक्स क्या है कैंसिल आउट हो गया है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू लिखा है तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ये तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं x माइनस टू x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस। अब देखें इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन क्या ले सकते हैं माइनस थ्री, क्या कॉमन ले माइनस थ्री, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बीच वाला साइन क्या आ रहा है माइनस, ये तभी पॉसिबल है जब हम कॉमन क्या ले लें माइनस, माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब देखिए
इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कॉमन लिया जाए तो यहां से क्या आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये हमारा आंसर होगा। इसलिए इन दोनों फॉर्मूले को आप लर्न कर लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट।